उमारी एक पीड़ित बच्चे की तरह मनमौजी ढंग से रोने लगी और कुछ दिखावटीपन के साथ अपने छोटे हाथों को मरोड़ने लगी। राजकुमारी मैरी मैरी बोगदानोवना को लाने के लिए कमरे से बाहर भागी। सोमदियू, सोमदियू, ओ, उसने कमरे से बाहर जाते हुए सुना। दाई पहले से ही उससे मिलने के लिए आ रही थी, अपने छोटे मोटे सफेद हाथों को शांत भाव से रगड़ रही थी। मैरी बोगदानोवना, मुझे लगता है कि यह शुरुआत है, राजकुमारी मैरी ने घबराई हुई बड़ी बड़ी आंखों से दाई की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, भगवान का शुक्र है, राजकुमारी, मैरी बोगदानोवना ने बिना अपने कदम तेज किए कहा। तुम युवतियों को इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहिए, राजकुमारी ने कहा। लेकिन मॉस्को से डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? लीज और प्रिंस एंड्रयू की इच्छा के अनुसार उन्होंने समय रहते डॉक्टर को मॉस्को भेज दिया था और वे किसी भी समय उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई बात नहीं राजकुमारी, घबराओ मत, मैरी बोगदानोवना ने कहा। हम डॉक्टर के बिना भी बहुत अच्छे से काम चला लेंगे। 5 मिनट बाद राजकुमारी मैरी ने अपने कमरे से किसी भारी चीज को ले जाते हूफे सुना। उसने बाहर देखा, नौकर चाकर राजकुमार एंड्रयू के अध्ययन कक्ष से बड़े चमड़े के सोफे को बेडरूम में ले जा रहे थे। उनके चेहरों पर एक शांत और गंभीर भाव था। राजकुमारी मैरी अपने कमरे में अकेली बैठी घर में हो रही आवाजों को सुन रही थी। कभी कभी किसी के गुजरने पर दरवाजा खोल देती और गलियारे में क्या हो रहा है यह देखती। शयन कक्ष में चुपचाप अंदर बाहर आती जाती कुछ महिलाओं ने राजकुमारी की ओर देखा और मुंह फेर लिया। उसने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। कभी अपनी आराम कुर्सी पर बैठती, कभी अपनी प्रार्थना पुस्तक लेती, कभी आइकन स्टैंड के सामने घुटने टेकती। उसे आश्चर्य और परेशानी हुई कि उसकी प्रार्थनाएं उसके उत्साह को शांत नहीं कर पा रही थी। अचानक उसका दरवाजा धीरे से खुला और उसकी बूढ़ी नर्स प्रस्कोविया साविशना, जो शायद ही कभी उस कमरे में आती थी क्योंकि बूढ़े राजकुमार ने उसे मना किया था, अपने सिर पर शॉल लपेटे हुए दहलीज पर दिखाई दी। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठने आई हूँ माशा, नर्स ने कहा, और यहाँ मैं राजकुमार की शादी की मोमबत्तियाँ हूँ, उसके संत मेरे देवदूत के सामफाय ने जलाने के लिए लाई हूँ, उसने एक आह भरते हुए कहा। ओह नर्स, मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर दयालु है। चिड़िया, नर्स ने मूर्तियों के सामने सोने की मोमबत्तियाँ जलाई और अपनी बुनाई के साथ दरवाजे के पास बैठ गई। राजकुमारी मैरी ने एक किताब ली और पढ़ना शुरू कर दी। केवल जब पदचाप या आवाजें सुनाई देती तो वे एक दूसरे को देखते। राजकुमारी चिंतित और पूछताछ करती, नर्स प्रोत्साहित करती। घर में हर कोई उसी भावना से अभिभूत था जो राजकुमारी मैरी ने अपने कमरे में बैठकर अनुभव की थी। लेकिन इस अंधविश्वास के कारण कि जितने कम लोग इसके बारे में जानते हैं, प्रसव पीड़ा में महिला उतनी ही कम पीड़ित होती है। हर कोई न जानने का नाटक करने की कोशिश करता था, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन राजकुमार के घर में आदतन सामान्य शांत और सम्मानजनक अच्छे शिष्टाचार के अलावा एक सामान्य चिंता, दिल की कोमलता और एक चेतना कि उस समय कुछ महान और रहस्यमय पूरा हो रहा था ने खुद को महसूस किया। नौकरानियों के बड़े हॉल में कोई हंसी नहीं थी। पुरुष सेवकों के हॉल में सभी चुपचाप और सतर्क होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर के दासों के क्वार्टर में मशालें और मोमबत्तियां जल रही थी और कोई भी सोया नहीं था। बूढ़ा राजकुमार अपनी एड़ी पर कदम रखते हुए अपने अध्ययन कक्ष में इधर उधर घूमता रहा और टिखन को मैरी बोगदानोवना से पूछने के लिए भेजा कि क्या समाचार है। केवल इतना कहो कि राजकुमार ने मुझे पूछने के लिए कहा है और आकर मुझे उसका उत्तर बताओ। राजकुमार को खबर दो कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, मैरी बोगदानोवना ने दूत को एक महत्वपूर्ण नजर से देखते हुए कहा। तिखोन ने जाकर राजकुमार को यह बात बताई। बहुत अच्छा, राजकुमार ने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा और उसके बाद टिखन को अध्ययन कक्ष से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद वह फिर से कमरे में दाखिल हुआ जैसे कि मोमबत्तियां बुझा रहा हो और जब उसने देखा कि राजकुमार सोफे पर लेटा हुआ है तो उसने उसकी ओर देखा, उसके परेशान चेहरे को देखा, अपना सिर हिलाया और उसके पास जाकर चुपचाप उसके कंधे को चूमा और कमरे से बाहर निकल गया बिना मोमबत्तियां बुझाए या यह बताए कि वह क्यों कमरे में आया था। दुनिया का सबसे गंभीर रहस्य अपनी राह पर चलता रहा। शाम बीत गई, रात आ गई और अथाह की उपस्थिति में रहस्य और दिल के नरम होने की भावना कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। कोई भी सोया नहीं। यह मार्च की उन रातों में से एक थी जब सर्दी फिर से अपने प्रभाव को पुनः प्राप्त करना चाहती थी और अपनी आखिरी बर्फ और तूफानों को हताश क्रोध के साथ बिखेर रही थी। मॉस्को से आए जर्मन डॉक्टर से मिलने के लिए घोड़ों की एक टुकड़ी मुख्य सड़क पर भेजी गई थी जिसका हर पल इंतजार किया जा रहा था और लालटेन के साथ
घोड़े पर सवार लोगों को चौराहे पर भेजा गया था ताकि वे उसे देश की सड़क पर ले जा सके जिसमें गड्ढे और बर्फ से ढके पानी के तालाब थे। राजकुमारी मैरी ने बहुत पहले ही अपनी किताब एक तरफ रख दी थी। वह चुपचाप बैठी थी, उसकी चमकीली आंखें, उसकी नर्स के झुर्रियों वाले चेहरे पर जिसकी हर रेखा वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी, रूमाल के नीचे से निकले भूरे बालों के गुच्छे पर और उसकी ठोड़ी के नीचे लटकती ढीली त्वचा पर टिकी थी। नर्स साविश्ना हाथ में बुनाई लिए धीमी आवाज में बता रही थी, अपनी ही बातें मुश्किल से सुन पा रही थी या समझ पा रही थी जो उसने पहले सैकड़ों बार बताया था, कैसे दिवंगत राजकुमारी ने किशनेव में राजकुमारी मैरी को जन्म दिया था जिसमें दाई के बजाय केवल एक मोलदावियन किसान महिला ने मदद की थी। उन्होंने कहा, ईश्वर दयालु है, डॉक्टरों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अचानक हवा का एक झोंका खिड़की से टकराया जिसमें से डबल फ्रेम हटा दिया गया था। राजकुमार के आदेश के अनुसार लार्क के वापस आते ही प्रत्येक कमरे में एक खिड़की का फ्रेम हटा दिया जाता था और ढीली बंद कुंडी को जबरन खोल दिया। डैमस पर्दा फड़फड़ाने लगा और ठंडी बर्फीली हवा से मोमबत्ती बुझ गई। राजकुमारी मैरी कांप उठी। उसकी नर्स जो मोजा बुन रही थी उसे नीचे रखकर खिड़की के पास गई और बाहर झुककर खुली खिड़की को पकड़ने की कोशिश की। ठंडी हवा ने उसके रूमाल के सिरे और उसके भूरे बालों के ढीले लटों को फड़फड़ाया। राजकुमारी मेरी प्यारी, कोई सड़क पर गाड़ी चला कर आ रहा है, उसने खिड़की को पकड़े हुए कहा और उसे बंद नहीं किया। लालटेन के साथ शायद डॉक्टर, हे भगवान, भगवान का शुक्र है, राजकुमारी मैरी ने कहा, मुझे उससे मिलना चाहिए, वह रूसी नहीं जानता। राजकुमारी मैरी ने अपने सिर पर एक शॉल डाली और नए आगंतुक से मिलने के लिए दौड़ी। जब वह एंट्रूम को पार गितामार कर रही थी तो उसने खिड़की से लालटेन के साथ एक गाड़ी देखी जो प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। वह सीढ़ियों पर चली गई। एक रेलिंग पोस्ट पर एक मोमबत्तियां रखी हुई थी जो हवा में टपक रही थी। नीचे की ओर पैदल यात्री फिलिप डरा हुआ दिख रहा था और एक और मोमबत्ती पकड़े खड़ा था। सीढ़ियों के मोड़ से आगे नीचे मोटे महसूस किए गए जूते पहने किसी व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी और एक आवाज जो राजकुमारी मैरी को परिचित लग रही थी कुछ कह रही थी। भगवान का शुक्र है, आवाज ने कहा। और पिताजी सोने चले गए? नीचे बैठे हाउस स्टीवर्ड डेमियान की आवाज सुनाई दी। फिर आवाज ने कुछ और कहा। डेमियान ने जवाब दिया और फेल्ट बूट पहने हुए कदम और तेजी से सीढ़ियों के अदृश्य मोड़ के पास पहुंच गए। यह एंड्रयू है, राजकुमारी मैरी ने सोचा। नहीं, यह नहीं हो सकता, बहुत असाधारण होगा। और जिस क्षण उसने यह सोचा, राजकुमार एंड्रयू का चेहरा और आकृति, एक फर लबादा पहने हुए जिसका गहरा कॉलर बर्फ से ढका हुआ था, लैंडिंग पर दिखाई दिया जहां नौकर मोमबत्ती के साथ खड़ा था। हाँ, यह वह था, पीला पतला। उसके चेहरे पर एक बदला हुआ और एपाद जीप तरह से नरम लेकिन उत्तेजित भाव था। वह सीढ़ियों से ऊपर आया और अपनी बहन को गले लगा लिया। तुम्हें मेरा पत्र नहीं मिला, उसने पूछा, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, जो उसे नहीं मिलता क्योंकि राजकुमारी बोलने में असमर्थ थी, वह पीछे मुड़ा, डॉक्टर के साथ फिर से तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया जो उसके बाद हॉल में दाखिल हुआ था। वे अंतिम पोस्ट स्टेशन पर मिले थे और फिर से अपनी बहन को गले लगा लिया। क्या अजीब किस्मत है, माशा डार्लिंग, और अपना लबादा और जूते उतार कर वह छोटी राजकुमारी के कमरे में चला गया। अध्याय 9, छोटी राजकुमारी। तकिए के सहारे लेटी हुई थी, उसके सिर पर एक सफेद टोपी थी, उसका दर्द अभी अभी खत्म हुआ था। उसके काले बालों की लटें उसके सूजे हुए और पसीने से तर गालों के चारों ओर बिखरी हुई थी। उसका आकर्षक गुलाबी मुंह और उसका कोमल होंठ खुला हुआ था और वह खुशी से मुस्कुरा रही थी। राजकुमार एंड्रयू अंदर आया और सोफे के पैर के पास उसका सामना करते हुए रुक गया जिस पर वह लेटी हुई थी। उसकी चमकती हुई आंखें बच्चों के डर और उत्साह से भरी हुई, बिना अपना भाव बदले उस पर टिकी हुई थी। मैं आप सभी से प्यार 5 करती हूँ और मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, मुझे ऐसा क्यों सहना चाहिए, मेरी मदद करो, उसकी नजर मानो कह रही थी। उसने अपने पति को देखा लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अब उसके सामने उसकी उपस्थिति का क्या मतलब है। राजकुमार एंड्रयू सोफे के चारों ओर घूमे और उसके माथे को चूमा। मेरी प्यारी, उसने कहा, यह शब्द उसने पहले कभी उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। ईश्वर दयालु है, उसने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से और बच्चों जैसी निंदा से देखा। मुझे तुमसे मदद की उम्मीद थी और मुझे कुछ नहीं मिला, तुमसे भी नहीं, उसकी आंखों ने कहा। वह उसके आने से हैरान नहीं थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह आया था। उसके आने का उसके दुखों या उनके राहत से कोई लेना देना नहीं था। पीड़ा फिर से शुरू हुई
और मैरी बोगदानोवना ने राजकुमार एंड्रयू को कमरे से बाहर जाने की सलाह दी। डॉक्टर अंदर आया, प्रिंस एंड्रयू बाहर गया और राजकुमारी मैरी से मिलकर फिर से उसके साथ हो लिया। वे फुसफुसाते हुए बात करने लगे, लेकिन हर पल उनकी बातचीत टूट जाती। वे इंतजार करते रहे और सुनते रहे। जाओ प्रिय, राजकुमारी मैरी ने कहा। फाइवरेंस एंड्रयू फिर से अपनी पत्नी के पास गया और उसके बगल वाले कमरे में प्रतीक्षा करने लगा। एक महिला डरे हुए चेहरे के साथ बेडरूम से आई और जब उसने प्रिंस एंड्रयू को देखा तो वह भ्रमित हो गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और कुछ मिनटों तक ऐसे ही रहा। दरवाजे से दयनीय असहाय जानवरों जैसी कराहें आ रही थी। प्रिंस एंड्रयू उठे, दरवाजे के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की। कोई उसे बंद करके रखे हुए था। तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, अंदर से एक भयभीत आवाज आई। वह कमरे में चहलकदमी करने लगा, चीखना बंद हो गया और कुछ और सेकंड बीत गए। फिर अचानक बेडरूम से एक भयानक चीख आई। ये उसकी नहीं हो सकती थी, वह इस तरह नहीं चिल्ला सकती थी। प्रिंस एंड्रयू दरवाजे की ओर भागा। चीखना बंद हो गया और उसने एक शिशु के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने वहाँ एक बच्चे को क्यों रखा है? प्रिंस एंड्रयू ने पहले सेकंड में सोचा, एक बच्चा? कौन सा बच्चा? वहाँ बच्चा क्यों है? या बच्चा पैदा हुआ है? तभी अचानक उसे उस विलाप के आनंदपूर्ण अर्थ का एहसास हुआ। आंसुओं ने उसका गला घोंट दिया और अपनी कोहनियों को खिड़की की चौखट पर टिकाकर वह बच्चों की तरह सिसकियां लेने लगा। दरवाजा खुला, डॉक्टर अपनी कमीज की बाहें ऊपर उठाए बिना कोट के पीला और कांपते जबड़े के साथ कमरे से बाहर आए। प्रिंस एंड्रयू ने उसकी ओर रुक किया, लेकिन डॉक्टर ने उसे एक हैरान नजर से देखा और बिना कुछ कहे चला गया। एक महिला बाहर निकली और प्रिंस एंड्रयू को देखकर दहलीज पर झिझकते हुए रुक गई। वह अपनी पत्नी के कमरे में गया। वह मृत पड़ी थी, उसी स्थिति में जिस स्थिति में उसने उसे 5 मिनट पहले देखा था, और स्थिर आँखों और गालों के पीलेपन के बावजूद उसके आकर्षक बच्चे जैसे चेहरे पर वही भाव थे जिसका ऊपरी होंठ छोटे छोटे काले बालों से ढका हुआ था। मैं तुम सभी से प्यार करती हूँ और मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, और तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसने आकर्ष दयनीय मृत चेहरे से कहा। कमरे के एक कोने में मैरी बोगदानोवना के कांपते सफेद हाथों में लाल और छोटी सी कोई चीज घुरघुराहट और चीख की आवाज कर रही थी। 2 घंटे बाद प्रिंस एंड्रयू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने पिता के कमरे में गया। बूढ़ा आदमी पहले से ही सब कुछ जानता था। वह दरवाजे के पास खड़ा था और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी खुरदरी बूढ़ी बाहें उसके बेटे की गर्दन के चारों ओर कस गई और बिना कुछ कहे वह एक बच्चे की तरह रोने लगा। 3 दिन बाद छोटी राजकुमारी को दफनाया गया और राजकुमार एंड्रयू उसे विदाई चुंबन देने के लिए ताबूत के पास सीढ़ियों से ऊपर गया और वहाँ ताबूत में वही चेहरा था, हालांकि आंखें बंद थी। आह, तुमने मेरे साथ क्या किया है, यह अभी भी कह रहा था। और राजकुमार एंड्रयू को लगा कि उसकी आत्मा में कुछ टूट गया है और वह एक ऐसे पाप का दोषी है जिसे वह न तो ठीक कर सकता है और न ही भूल सकता है। वह रो नहीं सकता था। बूढ़ा आदमी भी आया और उसके सीने पर चुपचाप एक दूसरे को पार किए हुए मोम के छोटे हाथों को चूमा और उसे भी उसका चेहरा कह रहा था, आह, तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्यों? और यह नजारा देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से दूर हो गया। 5 दिन और बीते और फिर युवा राजकुमार निकोलस आंद्रेविच का बपतिस्मा हुआ। नर्स ने अपनी थोड़ी से कंबल को सहारा दिया जबकि पादरी ने हंस के पंख से लड़के के छोटे लाल और झुर्रीदार तलवों और हथेलियों का अभिषेक किया। उसके दादा, जो उसके गॉडफादर थे, काम से पते हुए और उसे गिराने के डर से शिशु को टूटे हुए टिन के फव्वारे के चारों ओर ले गए और उसे गॉड मदर राजकुमारी मैरी को सौंप दिया। राजकुमार एंड्रयू दूसरे कमरे में बैठे थे, इस डर से बेहोश कि कहीं बच्चा फव्वारे में डूब न जाए, और समारोह के समापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नर्स उसे लेकर आई तो उसने खुशी से बच्चे की ओर देखा और जब नर्स ने उसे बताया कि बच्चे के बालों के साथ मोम फव्वारे में डूबा नहीं था बल्कि तैर गया था, तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। अध्याय एक्स, डोलोखोव और बेजुखोव के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में रोस्तो की भूमिका को पुराने काउंट के प्रयासों से दबा दिया गया और उसे पद से हटाने के बजाय उसे मॉस्को के गवर्नर जनरल का सहायक नियुक्त किया गया। नतीजतन वह परिवार के बाकी सदस्यों के साथ देश नहीं जा सका, लेकिन उसे अपनी नई ड्यूटी के कारण पूरी गर्मियों में मॉस्को में ही रहना पड़ा। डोलोखोव ठीक हो गया और उसके स्वास्थ्य लाभ के दौरान रोस्तोव उसके साथ बहुत दोस्ताना हो गया। डोलोखोव अपनी माँ के पास बीमार पड़ा था जो उसे बहुत प्यार करती थी, और बूढ़ी मैरी इवानोवना जो अपनी पेद्या के साथ रोस्तोव की दोस्ती के पांडारण
उससे प्यार करने लगी थी। अक्सर उससे आज अपने बेटे के बारे में बात करती थी। हाँ, काउंट, वह कहती, वह हमारी वर्तमान भ्रष्ट दुनिया के लिए बहुत महान और शुद्ध आत्मा वाला है। अब कोई भी सद्गुणों से प्रेम नहीं करता, ये सभी को तिरस्कार जैसा छियासद्यप जैसा लगता है। अब मुझे बताओ काउंट, क्या ये सही था? क्या ये बेजुखोव के लिए सम्मानजनक था? और फेंक दिया अपनी महान आत्मा के साथ, उससे प्यार करता था और अब भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहता। पीटर्सबर्ग में जब उन्होंने एक पुलिस वाले के साथ कुछ शरारतें की, तो क्या उन्होंने मिलकर ऐसा नहीं किया? और वहाँ बेजुखोव बेदाग बच गया, जबकि फेद्या को सारा बोझ उसके कंधों पर उठाना पड़ा। कल्पना कीजिए कि उसे क्या क्या सहना पड़ा। यह सच है कि उसे बहाल कर दिया गया है, लेकिन वे ऐसा करने में कैसे विफल हो सकते हैं? मुझे लगता है कि मातृभूमि के ऐसे वीर पुत्र बहुत कम थे जितने वह थे। और अब यह द्वंद्व, क्या इन लोगों में कोई भावना या सम्मान नहीं है? उसे अपना इकलौता बेटा जानते हुए भी उसे चुनौती देना और इतना सीधा निशाना साधना। अच्छा हुआ कि भगवान ने हम पर दया की। और यह किस लिए था? आजकल कौन सा ऐसा है जो साजिश नहीं करता? अगर वह इतना ईर्ष्यालु था, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, उसे पहले ही यह दिखा देना चाहिए था। लेकिन वह महीनों तक इसे जारी रखता है, और फिर उसे यह कहते हुए कि फेद्या ने लड़ाई नहीं की क्योंकि उस पर उसका पैसा बकाया था। कितनी नीचता, कितनी नीचता। मैं जानता हूँ कि तुम फेद्या को समझते हो, मेरे प्यारे काउंट, यही मेरा विश्वास करो, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। बहुत कम लोग उसे समझते हैं, वह इतना महान स्वर्गीय आत्मा है। दोलोखोव ने स्वयं अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान रोस्तोव से इस तरह बात की जिसकी किसी ने उनसे अपेक्षा नहीं की होगी। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं, उसने कहा, उन्हें ऐसा करने दो, मैं किसी की परवाह नहीं करता सिवाय उन लोगों के जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। लेकिन जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, और जो मेरे रास्ते में आए, मैं उनका गला घोंट दूंगा। मेरी एक प्यारी अनमोल माँ है और दो या तीन दोस्त हैं, उनमें से तुम भी हो, और बाकी के लिए मैं सिर्फ इस हद तक परवाह करता हूँ कि वे हानिकारक हैं या उपयोगी, और उनमें से ज्यादातर हानिकारक हैं, खासकर महिलाएं। हाँ प्यारे लड़के, उसने आगे कहा, मैं प्यार करने वाले कुलीन मोती की कुलीन उच्च विचारों वाले पुरुषों से मिला हूँ, लेकिन मैं अभी तक ऐसी किसी महिला से नहीं मिला हूँ, काउंटेस या रसोईया, जो भ्रष्ट न हो, मैं का न हो। मुझे अभी तक वह दिव्य पवित्रता और भक्ति नहीं मिली है जिसकी मैं महिलाओं में तलाश करता। अगर मुझे ऐसी कोई मिल जाए, तो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन वे, और उसने तिरस्कार का इशारा किया, और मेरा विश्वास करो, अगर मैं अभी भी अपने जीवन को महत्व देता हूँ, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी ऐसे दिव्य प्राणी से मिलने की आशा करता हूँ जो मुझे पुनर्जीवित करेगा, शुद्ध करेगा और उन्नत करेगा। लेकिन तुम इसे नहीं समझते। ओह हाँ, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, रोस्तोव ने उत्तर दिया, जो अपने नए दोस्त के प्रभाव में था। शरद ऋतु में रोस्तोव मास्को लौट आए। सर्दियों की शुरुआत में डेनिसोव भी वापस आ गया और उनके साथ रहने लगा। 1806 की सर्दियों का पहला आधा हिस्सा जो निकोलस रोस्तोव ने मास्को में बिताया, उनके और पूरे परिवार के लिए सबसे खुशनुमा, सबसे उल्लासपूर्ण समयों में से एक था। निकोलस अपने माता पिता के घर कई युवा पुरुषों को लेकर आए। वेरा 20 साल की एक सुंदर लड़की थी। सोनिया 16 साल की लड़की थी जिसमें खिलते हुए फूल का सारा आकर्षण था। नताशा आधी वयस्क और आधी बच्ची, अब बचकानी रूप से मनोरंजक थी, अब लड़कियों जैसी मोहक। उस समय रोस्तोव के घर में एक ऐसा प्रेमपूर्ण माहौल था जो उन घरों में होता है जहां बहुत कम उम्र की और बहुत ही आकर्षक लड़कियां होती हैं। घर में आने वाला हर युवक उन प्रभावशाली मुस्कुराते हुए युवा चेहरों को देखकर शायद अपनी खुशी पर मुस्कुराते हुए, अपने आसपास की उत्सुक हलचल को महसूस करते हुए, और गीत और संगीत की छिटपुट आवाजें सुनते हुए, और किसी भी चीज के लिए तैयार और उम्मीद से भरी युवा लड़कियों की बेतुकी लेकिन दोस्ताना बकबक सुनते हुए उसी भावना का अनुभव करता था। रोस्तोव के घर के युवा लोगों के साथ प्यार में पड़ने की तत्परता और खुशी की उम्मीद साझा करता था। रोस्तोव द्वारा पेश किए गए युवकों में सबसे पहले डोलोखोव था, जिसे घर में नताशा को छोड़कर सभी लोग पसंद करते थे। वह उसके बारे में अपने भाई से लगभग झगड़ने लगी थी। उसने जोर देकर कहा कि वह एक बुरा आदमी है और बेजुखोव के साथ द्वंद्व में पियरे सही था और डोलोखोव गलत था मगा, और इसके अलावा वह अप्रिय और अप्राकृतिक था। मेरे लिए समझने के लिए कुछ भी नहीं है, वह दृढ़ आत्म इच्छा के साथ चिल्लाई, वह दुष्ट और हृदयहीन है। अब मुझे तुम्हारा डेनिसोव पसंद है, हालांकि वह एक बदमाश और सब कुछ है, फिर भी मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए आप देखिए कि मैं समझती हूँ।
मुझे नहीं पता कि इसे कैसे व्यक्त करूं। इस व्यक्ति के साथ सब कुछ गणना करके किया जाता है और मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन डेनिसोव, ओह डेनिसोव बिल्कुल अलग है, निकोलस ने उत्तर दिया, जिसका अर्थ था कि डेनिसोव भी डोलोखोव की तुलना में कुछ भी नहीं है। आपको समझना चाहिए कि डोलोखोव में कितनी आत्मा है। आपको उसे उसकी माँ के साथ देखना चाहिए, कैसा दिल है। ठीक है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ असहज हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि उसे सोनिया से प्यार हो गया है? क्या बकवास है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आप देखेंगे, नताशा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। डोलोखोव, जो आम तौर पर महिलाओं की संगति की परवाह नहीं करता था, अक्सर घर आने लगा, और ये सवाल कि वह किसके लिए आया था, हालांकि कोई इस बारे में बात नहीं करता था, जल्द ही सुलझ गया। वह सोनिया की वजह से आया था, और सोनिया, हालांकि वह कभी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करती, ये जानती थी, और हर बार डोलोखोव के आने पर लाल हो जाती थी। डोलोखोव अक्सर रोस्तोव के घर खाना खाता था, कभी भी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं छोड़ता था जिसमें वे मौजूद होते थे, और युवा लोगों के लिए योगेल की गेंदों पर जाता था जिसमें रोस्तोव हमेशा शामिल होते थे। वह सोनिया पर ध्यान पूर्वक ध्यान देता था और उसे इस तरह से देखता था कि न केवल वह बिना रंग के उसकी नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बल्कि बूढ़ी काउंटेस और नताशा भी उसके चेहरे को देखकर शर्मा जाती थी। यह स्पष्ट था कि यह अजीब मजबूत आदमी उस काली सुंदर लड़की के अप्रतिरोध्य प्रभाव में था जो किसी और से प्यार करती थी। रोस्तोव ने डोलोखोव और सोनिया के संबंधों में कुछ नया देखा, लेकिन उसने खुद को यह नहीं बताया कि ये नए संबंध क्या थे। वे हमेशा किसी न किसी से प्यार करते हैं। उसने सोनिया और नताशा के बारे में सोचा, लेकिन वह सोनिया और डोलोखोव कांच के साथ पहले की तरह सहज नहीं था और घर पर भी कम ही आता जाता था। 1806 की शरद ऋतु में हर कोई नेपोलियन के साथ युद्ध के बारे में पिछले साल से भी ज्यादा गर्मजोशी से बात करने लगा था। नियमित सेना के लिए हर 1,000 में 10 आदमी और इसके अलावा मिलिशिया के लिए हर 1,000 में 9 आदमी भर्ती करने के आदेश दिए गए थे। हर जगह बोनापार्ट को कोसा जा रहा था और मॉस्को में आने वाले युद्ध के अलावा किसी और बात की चर्चा नहीं हो रही थी। रोस्तोव परिवार के लिए युद्ध की इन तैयारियों का पूरा फायदा यह था कि निकोलस मॉस्को में रहने के बारे में नहीं सुनेगा और सिर्फ क्रिसमस के बाद डेनिसोव की छुट्टी खत्म होने का इंतजार करेगा ताकि उसके साथ उनकी रेजिमेंट में वापस आ सके। उसके जाने के बाद उसका मनोरंजन करना बंद नहीं हुआ, बल्कि उसके मौज मस्ती में 4 चांद लग गए। वह अपना ज्यादातर समय घर से दूर डिनर पार्टियों और बॉल में बिताता था। अध्याय 11। क्रिसमस के तीसरे दिन निकोलस ने घर पर ही भोजन किया, ऐसा काम जो उसने हाल ही में शायद ही कभी किया हो। यह एक भव्य विदाई भोज था क्योंकि वह और डेनिसोव एपिफेनी के बाद अपनी रेजिमेंट में शामिल होने के लिए जा रहे थे। डोलोखोव और डेनिसोव सहित लगभग 20 लोग मौजूद थे। कभी भी हवा में इतना प्यार नहीं था और रोस्तोव के घर में कभी भी प्रेम का माहौल इतना प्रबल नहीं था जितना कि इस छुट्टी के समय में। खुशी के पलों का आनंद लें, प्यार करें और प्यार पाएं। दुनिया में यही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब मूर्खता है। यही एक ऐसी चीज है जिसमें हम यहाँ रुचि रखते हैं, जगह की आत्मा ने कहा। निकोलस ने हमेशा की तरह 2 जोड़ी घोड़ों को थका दिया था उन सभी जगहों पर गए बिना जहाँ उसे जाना था और जहाँ उसे आमंत्रित किया गया था। रात के खाने से ठीक पहले घर लौट आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने घर में कामुक हवा के तनाव को देखा और महसूस किया, और उपस्थित लोगों में से कुछ के बीच एक अजीब सी शर्मिंदगी भी देखी। सोनिया, डोलोखोव और बूढ़ी काउंटेस विशेष रूप से परेशान थे, और कुछ हद तक नताशा भी। निकोलस समझ गया कि रात के खाने से पहले सोनिया और डोलोखोव के बीच कुछ हुआ होगा, और अपने स्वाभाविक दयालु संवेदनशीलता के साथ वह रात के खाने के समय उन दोनों के साथ बहुत ही कोमल और सावधान था। उसी शाम को योगेल डांसिंग मास्टर द्वारा छुट्टियों के दौरान अपने शिष्यों के लिए आयोजित की जाने वाली बॉल में से एक होनी थी। निकोलस, क्या तुम योगेल के पास आओगे? कृपया आओ, नताशा ने कहा। उसने तुमसे पूछा है, और वासिली दिमित्रिच भी सनई जा रहा है। डेनिसोव, काउंटेस के आदेश पर मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, डेनिसोव ने कहा, जिसने रोस्तोव के यहाँ नताशा के शूरवीर की भूमिका को मजाकिया ढंग से ग्रहण किया था। मैं तो पास डे चाले नृत्य करने के लिए भी तैयार हूँ अगर मेरे पास समय हो, निकोलस ने जवाब दिया, लेकिन मैंने अरखारोव से वादा किया था, वे एक पार्टी करेंगे। और आप, उसने डोलोखोव से पूछा, लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछा उसे ध्यान आया कि यह सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। शायद, डोलोखोव ने ठंडे और गुस्से से जवाब दिया सोनिया की ओर देखते हुए, और क्रोधित होकर उसने निकोलस को ठीक उसी तरह देखा जैसा उसने क्लब डिनर में पियरे को दिया था। निकोलस ने सोचा, कुछ तो है, और इस बात से भी उसकी यह राय पुख्ता हो गई
कि डोलोखोव डिनर के तुरंत बाद चला गया। उसने नताशा को बुलाया और उससे पूछा कि मामला क्या है, और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, नताशा ने दौड़ते हुए कहा। मैंने पातुम से कहा था, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, उसने विजयी भाव से कहा, उसने सोनिया को प्रपोज कर दिया है। निकोलस ने हाल ही में सोनिया के साथ बहुत कम समय बिताया था, लेकिन इस खबर से उसके अंदर कुछ हलचल सी होने लगी। डोलोखोव एक उपयुक्त और कुछ मामलों में दहेज विहीन अनाथ लड़की के लिए एक शानदार जोड़ी थी। बूढ़ी काउंटेस और समाज के दृष्टिकोण से उसके लिए उसे मना करना असंभव था, और इसलिए खबर सुनने पर निकोलस की पहली भावना सोनिया के प्रति क्रोध की थी। उसने कहने की कोशिश की, यह बढ़िया है, बेशक वह अपने बचकाने वादों को भूल जाएगी और प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नताशा ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, और कल्पना कीजिए, उसने उसे बिल्कुल साफ मना कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, उसने उससे कहा कि वह किसी और से प्यार करती है। हाँ, मेरी सोनिया इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, निकोलस ने सोचा। माँ ने उस पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया, और मैं जानता हूँ कि एक बार कह देने के बाद वह नहीं बदलेगी। और माँ ने उसे दबाया, निकोलस ने फटकारते हुए कहा। हाँ नासा कनेपो, ताशा ने कहा। क्या तुम जानते हो निकोलस, नाराज मत हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। मैं जानती हूँ, भगवान जाने कैसे, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। अब तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता, निकोलस ने कहा, लेकिन मुझे उससे बात करनी ही होगी। सोनिया कितनी प्यारी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आह, वह सचमुच बहुत प्यारी है, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और नताशा ने अपने भाई को चूमा और भाग गई। एक मिनट बाद सोनिया डरी हुई, दोषी और डरी हुई नजर से अंदर आई। निकोलस उसके पास गया और उसके हाथ चूम लिए। उसके लौटने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने अकेले में और अपने प्यार के बारे में बात की थी। सोफी, उसने पहले तो डरते डरते और फिर अधिक साहस पूर्वक कहना शुरू किया, यदि तुम ऐसे व्यक्ति को मना करना चाहती हो जो न केवल एक प्रतिभाशाली और लाभप्रद जोड़ी है, बल्कि एक शानदार कुलीन व्यक्ति है, तो वह मेरा मित्र है। सोनिया ने उसे बीच में टोका। मैंने पहले ही मना कर दिया है, उसने जल्दी से कहा। अगर आप मेरी खातिर मना कर रहे हैं तो मुझे डर है कि मैं, उसने कहा। नहीं, लेकिन मुझे यह करना ही होगा। हो सकता है कि यह मेरे लिए अहंकारपूर्ण हो, लेकिन फिर भी यह कहना सबसे अच्छा है। अगर तुम मेरे कारण उसे मना कर दोगी तो मुझे तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। M6 है, तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें किसी और से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेयर 6 के लिए इतना ही काफी है, सोनिया ने शर्माते हुए कहा। नहीं, लेकिन मैं हजारों बार प्यार में पड़ चुका है सिक्स्यू, और फिर से प्यार में पड़ूंगा। हालांकि किसी के लिए भी मेरे मन में तुम्हारे लिए दोस्ती, विश्वास और प्यार की ऐसी भावना नहीं है। फिर मैं जवान हूँ, माँ ऐसा नहीं चाहती। एक शब्द में, मैं कोई वादा नहीं करता, और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि डोलोखोव के प्रस्ताव पर विचार करो, उसने अपने दोस्त का नाम मुश्किल से 6A बोलते हुए कहा। मुझसे ऐसा मत कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें एक भाई की तरह प्यार करता हूँ, अक्सर हमेशा करता रहूंगा, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप एक देवदूत हैं, मैं आपके योग्य नहीं हूँ।